कहते हैं अपराध एक ऐसा दलदल है जिसमें किसी ने अगर एक बार गलती से पैर रख दिया तो वो कितनी भी कोशिश कर ले बाहर नहीं आ सकता। और अगर कोई अपराधियों के साथ रहने लग जाए तो उसकी मानसिकता यानी सोचने और समझने की क्षमता भी बिल्कुल अपराधियों की तरह ही हो जाती है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान संवाद में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स की जिसने एक समय दुनिया के 25 से अधिक देशों में भारत का सर गर्व से ऊंचा किया था, पर आज के समय में वो एक कुख्यात अपराधी के रूप से जाना जाता है। पर वीडियो में आगे चलने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो शख्स है अजय गुर्जर, जो अगर अपराध की दुनिया में कदम नहीं रखता तो आज के समय में वो भारत की ओर से ओलंपिक में भागीदारी करता। अजय गुर्जर का जन्म हरियाणा के तुमसरा गांव में हुआ था। बचपन से ही अजय को देश के लिए कुछ करने की इच्छा थी। उसका सपना था कि वो एक दिन देश के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाएगा। अजय गुर्जर के बचपन का ये सपना जवानी की दहलीज में कदम रखने तक अपना रंग दिखा चुका था। अजय ने खेल चुना ताइक्वांडो, और ताइक्वांडो में अजय की महारत इस कदर हो गई थी कि वो 25 देशों में लगातार एक के बाद एक मैच जीतता गया। कई देशों में गोल्ड और सिल्वर मेडल जीतने के बाद लोगों को लगने लगा कि भारत का ओलंपिक में एक मेडल तो अब पक्का हो गया। आपको बता दें कि अजय ने ताइक्वांडो में राष्ट्रीय स्तर पर 8 स्वर्ण पदक जीते थे। उसने साल 2003 में भूटान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल भी जीता था, और साल 2005 में मुंबई में आयोजित एक अन्य अंतर्राष्ट्रीय ओपन चैलेंज प्रतियोगिता में 5वें स्थान पर भी रहा था। अब अजय का सपना था ओलंपिक में देश के लिए गोल्ड लाने का, पर उसका यह सपना साकार होता उससे पहले उसकी पूरी दुनिया ही पलट गई थी। बात है 2004 की। एक दिन एक कहासुनी में अजय गुर्जर ने एक व्यक्ति को चाकू मार दिया था। इस मामले में उसे जेल हो गई। जेल में अजय की मुलाकात आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से हुई, और जेल से बाहर आने पर वो रंगदारी मांगने लगा। अंडरवर्ल्ड से संबंध रखने वाले अजय गुर्जर के चचेरे भाई जेपी गुर्जर ने उसे मुंबई के एक खूंखार गैंगस्टर हाफिज बलूच के पास भेज दिया। हाफिज बलूच ने साल 2008 में जुबैर पटेल उर्फ कात्या डॉन की गोली मारकर हत्या कर दी थी, और इस हत्या के बाद हाफिज बलूच मुंबई से पलवल आ गया और अजय गुर्जर और उसके चचेरे भाई जेपी गुर्जर के घर में रहा। जब हाफिज बलूच वापस मुंबई लौटा तो वह अजय गुर्जर को भी साथ ही ले गया। वहां उसकी मुलाकात और गैंगस्टर से हुई। वहां उनके साथ रहने पर अजय की सोच भी आपराधिक गतिविधियों की तरफ झुक गई। यहीं उसे एक नया नाम मिला, भाईजी। हाफिज ने ही अजय गुर्जर उर्फ भाईजी का परिचय दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल इब्राहिम से कराया था। अब अजय पूरी तरह से अपराध की दुनिया में घुस चुका था, और उसका संबंध अंतरराष्ट्रीय डॉन सुभाष ठाकुर और आरिफ जॉन, जो कि छोटा शकील का बहनोई है, उसके साथ करीबी संबंध बन चुका था। अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर अजय गुर्जर ने 2008 से 2018 के बीच हरियाणा और राजस्थान में व्यापारियों, डॉक्टर्स, पार्षद, हरियाणा के दो पूर्व मंत्री और उनके रिश्तेदारों सहित कई जाने माने लोगों से रंगदारी मांगी। अजय ने हरियाणा के पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल के भतीजे शिवचरण लाल शर्मा, पलवल क्षेत्र के पार्षद चंडी राम गुप्ता पर साल 2012 में जबरन वसूली के लिए गोली भी चलाई थी। रंगदारी मांगने का अजय गुर्जर का अपना अलग तरीका था। दरअसल अजय गुर्जर उर्फ भाईजी फेसबुक और वीडियो कॉलिंग के जरिए रंगदारी मांगने का आदेश दिया करता था। इसके अलावा वो टाइप किया हुआ पत्र, मैगजीन, गोलियां और देसी कट्टा मिठाई के डिब्बे में रखकर भेजता था।
रंगदारी नहीं देने पर अपने गुर्गों से फायरिंग कराता और फेसबुक या वीडियो कॉलिंग के जरिए उसे लाइव भी देखा करता था। इसी कारण सन 2018 में उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया था और उसे कुछ महीनों की जेल भी हुई। उसने जेल से अपना काम जारी रखा और इसी कारण उसका नेटवर्क दिल्ली, हरियाणा के साथ मुंबई, राजस्थान और यूपी में भी काफी बढ़ चुका था। जेल से छूटने के कुछ समय बाद ही अजय वापस से पुलिस की नजर में आ गया था, पर क्यों बताएंगे इसी वीडियो में। पर उससे पहले आपको ये बता दें कि अब तक अजय गुर्जर उर्फ भाईजी पर लगभग रंगदारी के 10 मामलों समेत हत्या का प्रयास, जबरन वसूली, हमला, दंगा और आपराधिक धमकी और हथियार अधिनियम के 24 से अधिक मामले दर्ज हैं। दरअसल अगस्त 2021 में अजय गुर्जर का एक ऑडियो कॉल वायरल हुआ था, जिसमें सत्येंद्र उर्फ सत्ते अपने सहयोगी अजय गुर्जर से दूसरे गिरोह के एक बदमाश की हत्या को अंजाम देने के लिए AK-47 राइफल की व्यवस्था करने के लिए कह रहा था। पर उस कॉल में तिहाड़ के एक अधिकारी से बदला लेने की भी बातचीत हुई थी। बात ऐसी थी कि अजय और सत्येंद्र दोनों का एक साथी अंकित गुर्जर तिहाड़ जेल में बंद था और 4 अगस्त के दिन अंकित गुर्जर की मौत हो गई थी। इस मामले में अंकित के परिजनों ने तिहाड़ के अधिकारियों पर पीट पीट कर हत्या करने के आरोप लगाए थे। आपको बता दें कि हाई कोर्ट के आदेश पर इस मामले की जांच CBI कर रही है और अंकित की मौत का बदला लेने के लिए अजय गुर्जर एक अधिकारी को मारना भी चाहता था। उस ऑडियो वायरल होने के बाद सत्येंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया था, पर सत्येंद्र की गिरफ्तारी के बाद अजय गुर्जर उर्फ भाईजी अंडरग्राउंड हो गया था। पर करीब 5 महीने बाद 6 जनवरी को पुलिस को सूचना मिली कि अजय बदरपुर बस स्टैंड पर आने वाला है। अजय के बदरपुर पहुंचने से पहले पुलिस ने अपना जाल वहां बिछा दिया और घेराबंदी करके अजय गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके पास से 5 जिंदा कारतूस के साथ एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल भी बरामद की थी। आज के समय में एक गोल्ड मेडलिस्ट व्यक्ति अपराध की दुनिया में कदम रखने के कारण सलाखों के पीछे बंद हैं। आज की इस कड़ी में बस इतना ही। जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Oh buddies, guilt-free happy snacking। घंटों के conversations में जो snacks मिनटों में refill होते हैं, महफिल चाहे कोई भी हो, ये snacks ही तो उनकी feel होते हैं। लेकिन बहुत सारी eating के बाद ख्याल हमें जब अपनी health का आता है, तो मम्मी पापा की चिंता का meter चालू हो जाता है। कितना अट्रम शट्रम खाते रहते हो, तुम्हें पता भी है कि ये तुम्हारी health पर कितना बुरा असर डालते हैं। स्नैकिंग के साथ कुछ ऐसी चिंता वाली लाइंस भी कॉम्प्लीमेंट्री मिला करती है। लेकिन इस यूनिवर्सल प्रॉब्लम का इजी सलूशन अब आ गया है ओ बडीज के साथ। ओ बडीज स्नैकिंग की दुनिया का वो रेवोल्यूशन है जो टेस्टी इतना होगा कि आपकी जबान उसे छोड़ नहीं पाएगी और हेल्दी ऐसा होगा कि आपकी मम्मी भी कहेगी अच्छा ओ बडीज है तो कोई फिक्र की बात नहीं। ओ बडीज एक ऐसी रोस्टेड स्नैक्स कंपनी है जिसे जयपुर से शुरू किया है ACL फूड्स लिमिटेड ने। फ्राइड स्नैक्स को अपनी जिंदगी से दूर करने के लिए हम ओ बडीज के जरिए आपकी मदद करना चाहते हैं। ओ बडीज के इंटरनेशनल फ्लेवर को बनाने के लिए सीजनिंग्स के लिए भी पाम ऑयल की जगह प्राकृतिक सनफ्लावर ऑयल का यूज किया गया है और हेल्थ पर फोकस रखते हुए प्राचीन भारतीय संस्कृति को भी ओ बडीज की मैन्युफैक्चरिंग में याद रखा गया है और पहली बार किसी स्नैक्स में प्राचीन जड़ी बूटियों जैसे अश्वगंधा, शतावरी, ब्राह्मी और भी कई हेल्दी हर्ब का यूज किया गया है। When nobody approached me for the healthy snacking, it was a big challenge for me. And I thought what to do, what not to do. Because when the health comes, the taste goes away and when the taste comes, the health goes away. It's a real, real challenge was for me. But I thought and I thought and I thought and I thought that way that what to do. And I really thought of the ancient time how they were just adding the taste to the healthy dishes and then I tried my best. मैंने वही कोशिश करी कि मैं उस तरह के healthy snacks बनाऊँ जो herbs में भी हों, अच्छे spices भी हों, जुबान पे भी उनका बहुत अच्छा स्वाद आए और वो बन जाए और इसी तरह बन गया ओ बडी का snacks।
दादा पोते जिसे एक साथ खाए और मम्मी पापा का भी जो फेवरेट बन जाए, ऐसे टेस्ट को डेवलप करके ओबडीज को बनाया गया है कि वो हर उम्र के जायके का ख्याल रख पाए। कई जबरदस्त स्नैक्स के साथ अब ओबडीज आ चुका है आपकी नजदीकी दुकान पर, जिसमें चना पेरी पेरी, चना हींग जीरा, चीजी कॉर्न बाइट, मिलेट पेरी पेरी, शाही चिवड़ा मिक्स, क्रंची नट मिक्स, लेमन मिंटी पीनट और दाल बीजी है। यही नहीं, ओबडीज आपके लिए कैशू पेरी पेरी, कैशू लेमन ग्रास, कैशू मद्रास करी, हनी सिनेमन आमंड भी लाया है। तो अगर आपको टेस्ट और हेल्थ दोनों का ही ख्याल है, तो एक बार स्नैक्स लेने से पहले अपने नजदीकी दुकानदार से ये पूछना न भूलें, भैया ओबडीज है क्या, और हर प्रोडक्ट की खरीद पर पाए 100 रुपए तक कैशबैक जीतने का भी मौका। तो अब अपने 10 रुपए तले हुए स्नैक्स की जगह ओबडीज पे खर्च करें। Oh buddies, guilt-free happy snacking.